राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में निर्वाल फैमिली व्लॉग। आइए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। गाइस, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। वरना दो दिन से इतनी गर्मी हो रही थी सुबह के टाइम के, इतनी पसीने, इतनी गर्मी लग रही थी कि सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखते हैं कि शायद आज बारिश होएगी, तो देखते हैं कि बारिश के बाद कैसा मौसम होगा। देखिए जी, बारिश हो गई है शुरू और कितना अच्छा हो गया मौसम। ये देखिए वो बारिश, खूब जमाझम बारिश हो गई है और बहुत बढ़िया मौसम हो गया है, काफ़ी ठंडक हो गई है। ये देखिए खूब बादल हो रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। हो गया बारिश बंद, अब निकल गई है हल्की हल्की धूप, लेकिन मौसम हो गया सुहावना, गर्मी हो गई है ख़त्म। अब स्कूल आने के बाद बच्चे भी आ गए हैं। ये देखिए मेरा बेटा चिंटू भी आ गया है स्कूल से और ये लग रहा है मैंगो खाने के लिए। चिंटू दिखाओ अपना मैंगो, मैंगो खा रहा है, कौन सा मैंगो है ये? ये देखिए ये मैंगो खा रहा है, खुद ही काट रहा है, खुद ही खा रहा है जल्दी से। इस पर सब्र नहीं हुआ कि मम्मी काट के देगी, क्योंकि स्कूल से थका हुआ आया था, इसको गर्मी लग रही थी। पहले इसने जूस पिया नीचे गली में, अब ये मैंगो खा रहा है। अब मैं इनको दूंगी लंच, दोनों बहन भाई को। क्या हुआ चिंटू, क्या कह रहा है? लंच निकाल दूं या लंच बॉक्स निकाल दूं? लंच तो तू ख़त्म करके आ गया होगा। देखिए जी, अब शाम के बज गए हैं 5:30, अब हो गया है शाम के सब्जी काट के बनाने का टाइम, डिनर की तैयारी का समय हो गया है। आज हम डिनर में बनाएंगे तोरी की सब्जी। वैसे तो तोरी, घिया, ये हरी सब्जियां हो गई हैं मार्केट से गायब, और फिर भी हमने ढूंढ के निकाल लिया है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई, हद से ज़्यादा है, 100 रुपये किलो मिली है तोरी, और टमाटर तो 160 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, इतने महंगे टमाटर हो गए हैं कि टमाटर लेते वक्त तो बहुत सोचना पड़ता है। चलिए करते हैं तैयारी, अब तोरी छीलेंगे, काटेंगे, फिर इसको छोंकने की तैयारी करेंगे। देखिए जी, आज तो पूरा दिन बारिश हुई है, धीरे धीरे, कभी तेज कभी धीरे, आज तो पूरा दिन हो गया बारिश बरसते हुए। और कल धोए थे हमने कपड़े, तो वो अभी तक ऊपर छत के नीचे सुखाए हुए हैं, जो कि अभी तक सूखे नहीं है, उन्हें जाके हम इकट्ठे करेंगे, सूख गए होंगे तो छत पर चलेंगे। जब हमने गैस कर दी है ऑन, उसके ऊपर रख दे कढ़ाई, अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये डाल दिया है तेल, अब तेल गर्म होगा तब इसमें डालेंगे जीरा और प्याज। अब प्याज हो गई है फ्राई, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये हो गया छौंक तैयार। ये अब डाल दिए इसमें तोरी, अब हम इसको थोड़ी देर मसाले में ही भूनेंगे। चलिए जी, अब बज गए हैं 6:45 और अब हो गया दूध का समय, अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। आई हूँ और साथ में सब्जी वाला मिल गया, तो सब्जी भी ले आई, अब दूध भी ले आई हूँ और साथ में सब्जी वाला भी मिल गया था, तो सब्जी भी ले आई। सब्जी में लेके आई हूँ पालक और ये है बीन्स, ये वाली बीन्स लेके आई हूँ। पालक मिला है 70 रुपए किलो,
और बीन्स है 80 रुपए किलो। इतनी महंगी सब्जी हो रही है, पर क्या करें, लेनी पड़ती है, सब्जी तो खानी पड़ेगी। टमाटर तो हो रहे हैं 170 रुपए किलो आज, और 200 रुपये फालतू बताएगा। अब करते हैं दूध गरम। देखिए अब सब्जी हो गई है रेडी, तोरी की सब्जी, तरी वाली बनाई है, रेशे वाली। हाँ बेटा, अब ये सब्जी रेडी हो गया, अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये देखिए बन गई है, अब ये हो गई बनकर तैयार। अब हम कर देंगे गैस बंद। देखिए बच्चों ने, खास तौर से चिंटू ने कमरे का देखो क्या खाल बना दिया है। पढ़ने के लिए बैठा था और देखो क्या पूरा कमरा भरा रखा पढ़ने के नाम पर। पहले कमरा सरवाऊंगी, फिर ऊपर छत पे कपड़े इकट्ठे करने जाऊंगी। देखिए जी अब कपड़े कर दिया सारे इकट्ठे, अब इन्हें नीचे लेके जाएंगे, अब इनकी तैयार करके रखेंगे और फिर खाने बनाने की तैयारी, जो काम बच गए हैं। चलिए जी अब कपड़े हो गए सारे इकट्ठे, अब इन्हें लेके चलते हैं नीचे। दूध गरम करने करते तैयारी। अब रख देती हूँ मैं दूध गरम करने के लिए गैस। देखिए जी ये गुन गया है आटा, ये गुन के हो गया है रेडी। अब इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। देखिए जी अब मेरा चिंटू जो है, गली का जो डोगी है, उसको खाना दे रहा है। और ये चिंटू एक बार आवाज़ लगाता है तभी आ जाते हैं, ये इन्हें भी पता है कि इस टाइम इनका खाना खाने का समय हो गया है। चिंटू दे दिया बेटा खाना, वहीं डाल, वहीं जाकर दिया। और देखिए एक और डोगी बैठा हुआ है गाड़ी के नीचे, वहीं दे आए, जब इनका मन करेगा ना इसका, जब ये खा लेगा। ये गली में सारे बच्चे खेल रहे हैं, बैठे हैं। कोई दूसरा डोगी आया होगा उसको देख के भाग गया एकदम, दूसरे डोगी को देख के। ये देखिए ये खाने लग रहे हैं। चिंटू दूसरे वाले डोगी को भी दे दियो, वो भी आके खा लेगा, बुला ला उसको भी, उसको भी दे दे। इधर ही बुला ला इसको भी। देखिए जी खाने लग रहा है कुत्ता, बड़े ध्यान आराम से खा लिया उसने भी। चलो उसके लिए रख दियो, वो बाद में खा लेगा जब उसका मन करेगा। ये नहीं खा रहा वो, अभी उसका पेट भरा हुआ होगा। ये चिंटू पेट लवर है बहुत, इसको डॉगी बहुत अच्छे लगते हैं। गली के सभी डॉगी का ध्यान रखता है, पानी रखता है इनके लिए, खाना देता है इन्हें दोनों टाइम जब भी से समय मिलता है।